हाय स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, कैसे हो भैया आप? देखिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स गिवन हमें, उसके आंसर देने हमें इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल लाइन थी हमारे पास। जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो इनके नाम क्या हैं? तो इसके नेम हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट्स में क्या लिखेंगे इसका, नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान ली मैंने x x डैश, ये y y डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन x x डैश इज x x, इसको क्या मान लेंगे हम x एक्सिस। तो सेकंड इसका एंड है नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज, वर्टिकल लाइन जो y y डैश, इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी हमारी, y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। इन दो लाइंस ने अगर ध्यान से देखो प्लेन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो इनका नाम बताना है, तो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो इसके सेकंड पार्ट्स में क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ द ईच पार्ट्स ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। तो इनके नाम क्या क्या हो जाएंगे, इसका तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इनके नाम क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बेसिक में मैंने पढ़ा था कि इस पॉइंट का क्या नाम था, इस पॉइंट का नाम ओरिजिन था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता हमें, सेकंड क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कहता है सी फिगर दिस एंड राइट द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, बी पॉइंट हमारा ये है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, आप सभी पढ़ के आए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। आप सबसे पहले देखो किस साइड है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर एक्स नेगेटिव है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट की फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस के अलोंग इसको मेजर करेंगे। तो इसका y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फिर ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से y कोऑर्डिनेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस -5 यूनिट है, और x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, सेकंड पोजीशन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका -5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट दो पॉइंट सी, सी पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा सी कोऑर्डिनेट लिखना है। सी कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको मेजर करना होता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे जी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, प्लस का 5
एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, माइनस का 5। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने हुए इसके, 5 माइनस का 5। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट का नाम लिखना है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं -3 -5। एक्स की वैल्यू -3 हो, वाई की वैल्यू -5 हो, वो पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। अच्छा, उसके बाद पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -4, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में क्या कहता था, अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब्सिसा आप यानी जानते हैं अब्सिसा क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हमारा ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको समझ पा रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 6। तो इसका अब्सिसा कितना हो जाएगा, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट कहाँ पर है, एच पॉइंट हमारा ये रहा, ऑर्डिनेट बताना, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, समझ पा रहे हो, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एल पॉइंट देखो कहां पर है, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है इसमें, एल के एल पॉइंट यहां पर, सॉरी इसमें फिगर में मैंने लिखा नहीं, एल पॉइंट ये है, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हमें, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां पर 0 है, एल की वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस का 5, 0 5 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके बाद एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एम पॉइंट कहां पर है, ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना इसका, एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।